आईसीसी के महासचिव हमारे प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे साहब, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, सम्मान्य रामेश्वर डूडी जी, मोहन प्रकाश जी, सीपी जोशी जी, रमेश मीणा जी, मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण, साथियों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और हमारे तमाम नेताओं की तरफ से आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं कि हम आपकी सभा में कई घंटों देरी से आए। आज सुबह जयपुर से ये सोचकर निकले थे कि समय से पहले निकलें ताकि 12-12 बजे हम करौली में आप लोगों की सभा में पहुंच सकें, लेकिन जयपुर से निकलने के बाद आप सबका जो अपार प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद लगातार सड़कों पर हमें मिलता रहा, उसकी वजह से हमें आने में बहुत देरी हुई, लेकिन आप लोग पिछले 6 घंटों से, मैं अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मंचासीन तमाम नेताओं की तरफ से आप लोगों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको शुक्रिया करना चाहता हूं। साथियों, ये करौली जिला भरतपुर संभाग की सभा हो रही है। करौली में बहुत सी सभाएं पहले भी हुई हैं, बहुत सारी पार्टियों ने करी है, लेकिन जैसा अशोक गहलोत जी ने कहा, आज का जो जुनून है, जो उत्साह है आपके चेहरों पर, आज जो प्रेम और प्यार दिख रहा है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि करौली की आज तक की सबसे बड़ी और सबसे ऐतिहासिक सभा आप सब लोगों ने मनाई है। और ये सभा इस बात को दिखलाती है, ये सभा इस बात को दिखलाती है कि हमारे विपक्ष की पार्टी जो आज सत्ता में बैठी है, वसुंधरा राजे सिंधिया जी जो प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, वो भी कई बार करौली आई हैं, और करौली आने के बाद ना जनता उनसे मिलना चाहती थी, और सच तो ये है कि वो भी जनता से मिलना नहीं चाहती। बड़े बड़े महलों में रहकर, बड़े बड़े महलों में रहकर जिनको फरमान जारी करने की आदत हो, ये सोचना समझना कि जनता की वोट हमारी जेब में है, ये अहंकार हमारी मुख्यमंत्री को है। मैं कहना चाहता हूं वसुंधरा जी, आप प्रदेश में कहीं भी हो, आकर देख लो करौली की जनता क्या चाहती है और आगे क्या होने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां पर जो हमने सीटें जीती थी साथियों, आज इस संकल्प रैली के माध्यम से पूरे राजस्थान को बताना है, हमारी कांग्रेस पार्टी ने रैलियां करी, तमाम नेतागण एक साथ होकर, हम उदयपुर संभाग गए, जोधपुर संभाग गए, बीकानेर संभाग गए, और आज चौथी सभा ये भरतपुर संभाग की करौली में हो रही है। पास के जिले दौसा से मुझे सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस जिले से, यहाँ के लोगों से, 36 कौम के हमारे साथियों से, माताओं से, बहनों से जो प्रेम और प्यार का रिश्ता बना, आज उस रिश्ते के ताकत पर जो 4.5 साल पहले हमने शुरुआत करी थी, एक मुहिम शुरू करी थी कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी लाने की, आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के प्रेम और प्यार से और आप लोगों की दुआओं से, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि 2 महीने के बाद राजस्थान में जब चुनाव होगा तो बीजेपी का बोरिया बिस्तरा बांध के गंगा जी में डालने का समय आ गया, और आप लोगों की जिम्मेदारी है दोस्तों, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वसुंधरा जी की सरकार ने पिछले 4.5 साल से इस पूर्वी राजस्थान के अंदर जो अनदेखी करी है, जनता ने विश्वास किया,
विधायक सांसद जिताकर भेजे, लेकिन पौने पांच साल में बीजेपी की सरकार ने, वसुंधरा जी ने इस पूर्वी राजस्थान को जो सौतेला व्यवहार किया है, और ये कोई अतिशोक्ति नहीं है, मैं इस मन से कहना चाहता हूं कि दो महीने के बाद जब कांग्रेस का शासन आएगा तो पूर्वी राजस्थान के लोगों को लगेगा कि सत्ता में हमारी भागीदारी है और आप लोगों के विकास जो आज तक नहीं हुए वो काम कांग्रेस पार्टी कराने वाली है। इतना बहुमत मिला, सरकार बनी केंद्र में, राज्य में, और आज जैसा डूडी साहब ने कहा, जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, मोहन प्रकाश जी ने बोला, जोशी जी ने बोला, पांडे साहब ने बोला कि हमारी पार्टी ने ये मन बनाया है कि राजस्थान के अंदर सब लोगों को साथ लेकर चलना है। वसुंधरा जी के राज में ना सिर्फ लोगों की लेकिन समाजों की पगड़ियों को उछाला गया है, लोगों को अपमानित किया गया है, जहर फैलकर लोगों को लड़ाने का काम किया है। और वसुंधरा जी ने आज बोला कि प्रदेश कांग्रेस का जो अध्यक्ष है, मेरे बारे में बोला वसुंधरा जी ने कि राजनीति में नौसिखिया है, कि अभी वो राजनीति सीख रहा है। तो वसुंधरा जी, आप मेरे से उम्र में बड़ी हो, मैं आपका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, लेकिन राजनीति के अखाड़े में आपको पटक नहीं देने में हम कम नहीं है, याद रखना इस बात को। जब जब चुनौतियां आई, आप तो बहुत बड़ी महारानी हो, आप तो बहुत बड़ी महारानी हो, एक बहुत बड़े परिवार से आई हो, राजघराने से आप आती हैं, आपने शासन किया, राज किया, मंत्री रही, मुख्यमंत्री रही, लेकिन हम लोग किसान परिवार से आते हैं, हम लोग गरीब और किसान का दुख पहचानते हैं, महसूस करते हैं। वोट लेने के लिए जुमले नहीं देते, भाषण नहीं देते, जब गरीब के हाथ में छाले पड़ते हैं, जब किसान को अपनी फसल के लिए कर्ज मांगना पड़ता है, हमारे भाई को अपनी बच्ची के हाथ पीले करने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, उस गरीब की आंखों में दर्द देखने का आपको ना तो समय है ना आपकी फितरत में है। और याद कर लेना, समय बदल गया है, जनता जागरूक हो चुकी है, देश प्रदेश में राज करने वाले लोग अब महारानियों की कोख से पैदा नहीं होंगे, किसानों की कोख से पैदा होंगे, आम आदमी के व्यक्ति की कोख से पैदा होंगे। और हम लोगों को जब मौका मिला, सेवा भी करी, अब चार साल से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग विपक्ष का काम कर रहे हैं। कल पूरा भारत बंद हुआ, मैं पूछना चाहता हूं वसुंधरा जी से और बीजेपी की सरकार से, पेट्रोल की दाम 88-90 रुपए लीटर हो गई, डीजल का दाम 75 रुपए लीटर हो गया, रसोई गैस